हम मौजूद हैं जयपुर में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गोलमेज बैठक जो दलित महिला पीड़ितों के साथ आज आयोजित की जा रही है। और आज ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की आशा जी हमारे बीच में है। आशा जी, किस तरीके से आपका मंच काम करता है देश भर में, आप उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच ये एक राष्ट्रीय लेवल का एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो दलित महिला लीडर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ हम जाति और पितृसत्ता से जो दलित महिलाओं के ऊपर आज अत्याचार और अन्याय लगातार हो रही है उस मुद्दों को लेकर आज हम पूरा 7 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आज हम राजस्थान में हैं, हरियाणा में भी हमारा काम है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी है। हमारा मेन फोकस 3 एरियाज़ में है। एक तो अट्रॉसिटीज़ का, खास करके जो लैंगिक शोषण हो रहा है दलित महिलाओं का, दलित बच्चियों का, उसके ऊपर लीगल फॉलोअप और सर्वाइवर्स का सपोर्ट प्रोग्राम एडमम कर रहा है। साथ ही साथ यंग दलित वुमेन लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, उन दलित वुमेन लीडर्स के साथ ट्रेनिंग्स करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि ये फ्यूचर के सिविल सोसाइटी या आंदोलन के नेतृत्व में भी दलित महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इस देश की जो प्रशासन है और पूरी गवर्नेंस में भी दलित महिलाओं की लीडरशिप और एक बहुत ही मुख्य पात्र रहें। और हमारा जो एडवोकेसी वर्क है वो ग्राउंड लेवल से लेकर, जो ग्राम स्तरीय से लेकर राज्य राष्ट्र लेवल और यूएन इंटरनेशनल लेवल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स के साथ भी हमारा एडवोकेसी का काम इस वक्त चालू है। तो क्या मुद्दे हैं दलित महिलाओं के पूरे भारत में, चूंकि आपका संगठन काम करता है, तो किस तरह के मुद्दे देखते हैं? अगर आप कोई भी आंकड़े ले लें, आंदोलन का आंकड़े नहीं, सरकारी आंदोलन का ही बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो शिक्षा का हो, हाउसिंग का हो, लैंड राइट्स का हो, कोई भी आप अगर डेटा अगर आप लेंगे आंकड़े, उसमें आपको साफ नज़र आएगा कि सबसे नीचे जो आज दबे कुचले हैं वो शायद दलित और आदिवासी महिलाएं ही हैं। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जाति और पितृसत्ता को अलग रख के हम उस मुद्दे को देख सकते हैं। तो इसीलिए आज जो भी एक अपने जीवन चलाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं दलित महिला लीडर्स, उनको, उनके साथ हम काम करते हुए एक नया इतिहास के ओर हम जा रहे हैं। हमारा अनुभव में ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही कम उम्र के नाबालिग लड़कियां और जो पहली बार कॉलेज स्कूल्स में दाखिल हुए हैं उन बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इससे हमें लग रहा है कि ये एक तरीके का एक बैकलैश वायलेंस है, एक वायलेंस जो है जो हमारे महिलाओं को, हमारे पूरे समाज को और भी पीछे दबाए जाने की एक साजिश लग रही है। और जो अधिकारियों के साथ, पुलिस व्यवस्था के साथ जो हमारा काम रहा है, वो जो टक्कर रहा है, उससे साफ नज़र आता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो जहाँ पर हमारे बच्चियों को एकदम ख़त्म करने की एक ये साजिश हमारे सामने आज दिख रहा है। जो समाज में, खासतौर पर दलित समुदाय में एक पितृसत्ता है और उसकी वजह से जो संघर्ष दलित महिला को झेलना होता है, एक तो वो जाति के आधार पे पीड़ित है, दूसरा पितृसत्ता के आधार पे पीड़ित हैं, तो एक तरीके से दोहरा शोषण दलित महिला को झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कैसे दलित महिलाएं अपने मुद्दों को प्रमुख तरीके से आगे ला सके, इसको लेकर के ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच क्या कार्य योजना रखता है? देखिए, पितृसत्ता तो ये हमारी समाज के एक ढांचे के अंदर है, वो पितृसत्ता हम सभी को उसका इम्पैक्ट हुआ है और उसका इफ़ेक्ट हमारे समाज में भी है, हमारे फैमिलीज़ में भी है, हमारे परिवारों में और बाहर भी हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हमारे दलित समाज की जो परिवार है वो शायद गरीबी और एक आर्थिक रूप से भी बहुत ही
मजबूत नहीं है तो उस वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये तीनों रूप से हम देखते हैं कि दलित महिलाएं आज बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एक पीड़ित नहीं हैं या फिर हम एक सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इन सारे संघर्ष को झेल रहे हैं और इन संघर्षों को पार करते हुए आज हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और हमारे इतिहास में भी हम देखते हैं कि हमारी दलित इतिहास में ऐसे काफ़ी सारे दलित महिला लीडर्स हैं, राइटर्स हैं जो उन्होंने कविता लिखे, बुक्स लिखे हैं। सावित्रीबाई फुले जैसी एक हमारी पहली शिक्षिका है हमारे देश में, लेकिन हमारा इतिहास भी हमारे हाथ में नहीं रहा है, कोई और ही लिखा है इतिहास। तो हम अपने इतिहास को देखते हुए जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनसे प्रेरित होकर आज दलित महिला आंदोलन काफ़ी आगे निकल चुकी है। और मुझे लगता है कि पूरा दलित मूवमेंट, पूरे दलित आंदोलन को और इवन जो महिला आंदोलन को भी एक नया रूप से नेतृत्व देना और नए रूप से लेके जाना शायद आज दलित महिलाएं ही वो कर काम कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आशा जी सोनिकाल से बातचीत कर। थैंक यू, जय भीम।